Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna go. हे गाइस, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारे पास है Redmi का नोट 11T 5G स्मार्टफोन। अगर आप इस फोन में ऐप लॉक को सेट करना चाहते हैं तो आपको बताएंगे कैसे ऐप लॉक सेट करना है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको ऐप लॉक की सेटिंग भी बताने वाले हैं, जो कि आप अपने हिसाब से इसको सेट भी कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी फोन की सेटिंग के अंदर। फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए। अब आपको यहां से स्क्रॉल करना होगा। स्क्रॉल करके जब नीचे की ओर आएंगे आपको यहां फिर देखने को मिल जाता है ऐप्स, तो सिंपल आपको यहां क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाता है ऐप लॉक, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना। इसके बाद आपको अपने हिसाब से अपने पैटर्न लॉक या फिर पासवर्ड लगाना, जो भी ऐप लॉक के लिए वो यहां पे सेलेक्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपका यहां पे पैटर्न लॉक सेट किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। आपको यहां पे पासवर्ड लगाना है तो आपको चेंज पासवर्ड दिखेगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप तीन टाइप से यहां पे सिक्योर करा सकते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। तो पिन लॉक से कराना है तो पिन लॉक सेट कर सकते हैं, अगर पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड भी लगा पाएंगे। तो जो भी आपको लगाना है यहां पे आप लगा दीजिए। जो भी डालना है आपको दो बार ये कंफर्म कराना होगा। तो आप इस तरीके से कंफर्म करा के इसको नेक्स्ट कीजिए। अब आपको यहाँ MI अकाउंट से साइन इन करने के लिए बोला जाएगा, तो अभी आप इसको नोट नाउ भी कर सकते हैं। अगर आपने MI अकाउंट से इस फोन को साइन इन कर लिया तो आप साइन इन कर सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे नोट नाउ कर दीजिए। तो आपके सामने कुछ एप्लीकेशन ऑलरेडी सेलेक्ट किए आएंगे, आप इनको पहले अनचेक कर दीजिए। आपको नीचे को देखने को मिलेगा यूज ऐप लॉक, सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ से कैंसिल एक बार इसको कर दीजिए। अब आपके सामने वो सभी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे जो कि इस फोन में आप लॉक कर सकते हैं। तो आपको कौन सा एप्लीकेशन लॉक करना है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आपको यूट्यूब लॉक करना है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपका यूट्यूब लॉक हो जाएगा। इसी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन को सिंपल एक क्लिक में आप यहां पर लॉक करा सकते हैं। तो मान लीजिए आपको गूगल क्रोम है, इसको भी आप लॉक करना चाहते हैं तो सिंपल यहां आइए, इस तरीके से इसको क्लिक कर दीजिए। चलिए आपको सेटिंग और बताते हैं। जैसे कि हमने गूगल क्रोम के लिए लॉक किया, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम ऐप लॉक डालते हैं, दोबारा से इसको ओपन कराएंगे तो ऐप लॉक ये नहीं पूछेगा, जबकि हमने ऐप लॉक ये कर रखा है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आप ये भी सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फिर से अपने सेटिंग में जाना है फोन की। फोन की सेटिंग में जाने के बाद आपको ऐप्स में जाना है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आपको सबसे नीचे की ओर ऐप लॉक, इस पर जाने के बाद आपको ऐप लॉक लगाना है। इसके बाद आपको ऊपर की ओर सेटिंग का आइकन देखने को मिल जाता है, सिंपल आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा लॉक सेटिंग, इस पर जाना है। फिर आपको बीच वाला जो ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस पर सेलेक्ट कर देना होगा। अब जितनी बार एप्लीकेशन को ओपन करेंगे उतनी बार आपसे ऐप लॉक यहाँ पे पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सब सेटिंग कर सकते हैं ऐप लॉक की, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई थी। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।